Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे पास था यूएस फेड की पॉलिसी, जिसमें ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन इशारा ये दे दिया गया कि यूएस में रेट कटौती होगी सितंबर में। अच्छा, इसी खुशी के मारे आज इंडियन मार्केट्स में रिकॉर्ड स्तर लग गया। 25,030 के लेवल की ओपनिंग हुई निफ्टी की और 25,078.3 का रिकॉर्ड लेवल ये शुरुआती सत्र में ही बहुत ही जल्दबाजी में हासिल कर लिया था 9:20 के आसपास। लेकिन उसके बाद फिर ये लेवल आए नहीं। ऊपरी स्तरों पर ऐसी मुनाफा वसूली हुई जिसको संभालना मुश्किल हो रहा था। लगातार हमने देखा कि दिन के दौरान इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और निफ्टी वीकली एक्सपायरी का प्ले हो गया। ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता चला जा रहा था। दिन के आखिरी में एक लेवल दिखाई दिया 24,956, लेकिन फिर क्योंकि एक्सपायरी थी तो लोअर लेवल पे कुछ रिकवरी आई और 25,010 के लेवल पे बंद हुए। लेकिन सेंटिमेंट ऐसा था कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाजार पे तेजी का सेटअप है या फिर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो रही है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स में आज के सत्र में टूटे हैं। निफ्टी भले ही आपको 59 पॉइंट्स के गेंस दिखा रहा हो क्लोजिंग बेसिस पे, 25,010 का स्तर दिखा रहा हो, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा थे और आज ऐतिहासिक लेवल है ये। 25,000 के लेवल के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दी थी, लेकिन जिस लेवल पे ओपन हुआ उसी के आसपास बंद हुआ है निफ्टी। निफ्टी बैंक मात्र 10 अंकों की बढ़त के साथ 51,564 के लेवल पे हुआ बंद। इतना बढ़िया मौका था, यूएस फेड की पॉलिसी आ रखी थी, ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी, ऊपर से रेट कटौती का इशारा भी दे दिया था, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक से नहीं हो पाया। सेंसेक्स 126 पॉइंट्स के गेंस के साथ 81,867 के लेवल पे हुआ है बंद और आज 82,129.49 का रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने भी हासिल किया है। HDFC बैंक सरप्राइज था, एकदम से चल पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में तेजी थी। अच्छा, ये एनर्जी स्टॉक्स में तो जमकर खरीदारी थी, जिसमें पावर ग्रिड, कोल इंडिया, NTPC जैसे स्टॉक्स एक्टिव थे, लेकिन गिरने वाले भी थे जिसमें M&M, इन्फोसिस, L&T, SBI, ICICI बैंक शामिल थे। निफ्टी के चढ़ने वाले हैं 28, गिरने वाले हैं 22, लेकिन मैं फिर कहूंगा ब्रॉडर मार्केट्स में वो खरीदारी दिखाई नहीं दे रही थी। आज एनर्जी सेक्टर को छोड़ के बाकी किसी सेक्टर का ऐसा दम ही नहीं नजर आ रहा था जिसमें हम कह सकें कि कन्विक्शन के साथ तेजी बन रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं था मार्केट में। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स आए उसमें पावर ग्रिड लगभग 4.25% उछला, कोल इंडिया 3.5% चढ़ा, ONGC 2% चढ़ा। तो फिर ऊपर वाले तीन तो हो गए एनर्जी स्टॉक्स। इसके बाद HDFC बैंक एकदम से दौड़ता आया और 2% ऊपर हो गया। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2% चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में M&M, आज ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर आ रहा था बहुत सारे स्टॉक्स पे, M&M लगभग 3.25% नीचे आया। हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट बुकिंग थी, टाटा मोटर्स रिजल्ट से पहले हल्का होता हुआ नजर आया, टाटा स्टील ब्रिटानिया यहां पर दबाव था और टाटा स्टील पे रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। दिन की शुरुआत हरे निशान में की थी, क्लोजिंग होते होते 1% नीचे आ गया। FNO गेनर्स में आज पावर ग्रिड और कोल इंडिया नजर आएंगे, जैसे मैंने कहा एनर्जी स्टॉक्स का बोलबाला था और ये दोनों स्टॉक्स FNO के ही टॉप गेनर बन गए। जो निफ्टी के टॉप गेनर थे वही FNO के टॉप गेनर। इसके अलावा सिंजीन 2.5% चढ़ा, टाटा पावर 2% ऊपर, ONGC 2% ऊपर। FNO लूजर्स में बिरला सॉफ्ट नजर आएगा आपको 5% नीचे, ACC 4% नीचे, डिक्सन 3.5% नीचे, इंडिया मार्ट, गुजरात गैस यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची में जुबिलेंट फार्मोवा सबसे तेज चलाया आज 12% ऊपर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 10% चढ़ा, कैप्री ग्लोबल दिन के आखिरी में चढ़ा 8% चढ़ गया ये स्टॉक, न्यूलैंड पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है ये स्टॉक आज भी 7% चढ़ा है, पार इंडिया 7% ऊपर, PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन 6.5% चढ़ा, पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है स्टॉक में, SIS, लॉयड्स मेटल, एस्टर DM, CESC ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 5% से करीब करीब 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर नतीजों का इंपैक्ट स्टॉक को 10% नीचे ले आया, डेटा मैटिक्स 8% नीचे रहा, एजिस लॉजिस्टिक्स 7% ज्यादा करेक्ट हो गया, KRBL 7% टूट गया, हाइकल, डिशमन कार्बोजन इन स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, टीम लीज, जी एंटरटेनमेंट लगभग 5.5% से 6% टूटे, NIACL और HCC में भी 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्टॉक्स आज चढ़े हैं, उतरे भी हैं बहुत सारे स्टॉक्स, दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे कि ब्रॉडर मार्केट्स पे प्रॉफिट बुकिंग है। सेक्टर तो एक ही समझ में आ रहा था, दैट इज एनर्जी। एनर्जी स्टॉक्स में आज जमकर एक्शन देखने को मिला, जिसमें अदानी सॉल्यूशंस 12% ऊपर, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, निफ्टी के टॉप गेनर बने 3.5% से 4.5% ऊपर, अदानी ग्रीन 3% चढ़ गया, टाटा पावर, ONGC, NTPC जैसे स्टॉक्स तेज हुए। फार्मा स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें ल्यूपिन 2%, सिंजीन 2%, टॉरेंट फार्मा 2% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरावट वाले भी हैं जिसमें है लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क, बायोकॉन 2% से 3% गिर गए। FMCG स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें है गोदरेज कंज्यूमर 3%,
प्लस बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर 2% चढ़ा है, नेस्ले 1% चढ़ गया, डाबर में भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 1% ये ऊपर आ गया, लेकिन गिरने वाले भी हैं जिसमें ब्रिटानिया, कोलगेट और रेडिको शामिल हैं। रियल एस्टेट स्टॉक से तो हो ही नहीं पा रहा था, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली प्रेस्टीज एस्टेट्स में 3.25% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 3% टूटा है, लोधा 2.5% नीचे, डीएलएफ 2% नीचे, सनटेक और ओबरॉय में भी दबाव देखने को मिला। ऑटोज में एमएनएम सबसे ज्यादा टूटा है आज 2.3%, अशोक लेलैंड 2.3% नीचे आया, बॉश, एक्साइड, एमआरएफ इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला, लेकिन चढ़े भी हैं जिसमें टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज शामिल हैं। मारुति सुजुकी आज ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स आए थे स्टॉक में, उसके बाद ये स्टॉक बहुत एक्टिव था लेकिन दिन के आखिरी में जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आईपीओ मार्केट में हलचल बहुत तेज है, सीगल इंडिया का आईपीओ खुला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आज से 5 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। पहले दिन 0.63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड 380 से 401 रुपए प्रति शेयर का रखा गया, 1256.66 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 684.25 करोड़ रुपए का, बाकी का है ओएफएस। ओला इलेक्ट्रिक का मच अवेटेड आईपीओ कल से खुल रहा है और ये 6 अगस्त तक खुला रहेगा, प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है, 6145.56 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 5500 करोड़ रुपए का, बाकी का है ओएफएस। एकम्स ड्रग एंड फार्मा का आईपीओ आज बंद हो गया, कुल मिलाकर 63.44 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, 646 से 679 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था, इशू साइज था 1856.74 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी ने तो आज रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया 25078.3, ये अब तक का सबसे बेस्ट लेवल निफ्टी ने हासिल किया है, क्लोजिंग भी आ गई 25,000 के लेवल के ऊपर, लेकिन कन्विक्शन वो दिखाई नहीं दे रही थी स्क्रीन पे। जैसे मैंने कहा एडवांसेस और डिक्लाइंस देखो तो डिक्लाइंस ज़्यादा थे आज के मार्केट पे, एनएससी में कुल मिलाकर 1009 शेयर्स चढ़े हैं और गिरने वालों की संख्या है 1730, गिरने वाले तो बहुत ज़्यादा थे चढ़ने वालों के मुकाबले, फिर भी बाजार ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। इंडेक्स तो मैनेज हो गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक संभाल गया, रिलायंस इंडस्ट्री संभाल गया, उसके बाद एनर्जी स्टॉक संभाल गए। एनर्जी स्टॉक्स के अलावा बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं समझ में आ रहा था जहां पर आज तेजी है, क्योंकि उसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स चढ़ रहे थे, कुछ स्टॉक्स गिर रहे थे, तो ऐसी बिखरी बिखरी मार्केट लग रही थी, ऐसा लग रहा था डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ऊपर स्तरों पर, तो कन्विक्शन के साथ तो खरीदारी ये दिखाई दी नहीं। और इतना बढ़िया मौका था, बताओ यूएस फेड की पॉलिसी आ रखी थी तो धमाका हो सकता था मार्केट पे, गजब की तेजी हो सकती थी, लेकिन कुछ कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं जिसको बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है और बड़ी पोजीशन नहीं बन रही मार्केट में, तो ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। ऊपर इसलिए क्योंकि बाजार की ट्रेजेक्टरी तो ऊपर ही है ना, लगातार आप देख रहे हो पिछले 7-8 दिन से लोअर एंड से कितनी अच्छी खरीदारी हुई है। 25,000 की जो स्ट्राइक है उस पर ये जो अब नई वीकली सीरीज शुरू हुई है उसमें कॉल और पुट का डेटा बताता है कि भैया बहुत तगड़ी टसल है 25,000 के स्ट्राइक पे, कॉल और पुट का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव है, देखते हैं कौन जीतता है। अभी तो बुल्स की जीत हो रही है लेकिन बाजार रिस्पेक्ट करेगा 24,900 24,800 का जोन, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है इस नई सीरीज में। और हायर साइड पे 25,200 25,300 के जोन पे एक अड़चन आ सकती है, वहां पर रुकावट थोड़ी फेस करने को मिलेगी। टिल दैट पॉइंट हिचकोले खाते खाते ऊपर जा सकते हैं। 8 सत्रों में निफ्टी 24,074 के लेवल से दौड़ता दौड़ता 25,078 के लेवल तक पहुंच गया, 1004 पॉइंट बढ़ गया 8 सत्रों में। तो आप देखो पहले ही बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है मार्केट पे, तो कहीं ना कहीं बाजार इस चीज को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा और ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रिगर्स बाजार के निकल चुके हैं। अब देखते हैं, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बाजार पे ऑब्वियसली हावी है, तो इसराइल और हमास से जुड़ी कोई भी जो खबर आएगी ना वो बाजार पे इम्पैक्ट डालेगी। हम क्रूड के बाजार को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करें, कल अचानक से 4% ऊपर हो गया था और ऊपर से ये यूएस में एप्पल और अमेजन के नतीजे आने हैं, उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा है इस समय, मूड थोड़ा कॉशियस है ट्रेडर्स का, लेकिन हाँ ये है कि पकड़ बिल्कुल बुल्स ने नहीं गवाई और लगातार वन वे ट्रैक पे ऊपर ही चलते चले जा रहे हैं। तो अभी तो ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनी हुई है, पर करिए ऐसे कि अगर आपको इंट्राडे में बहुत अच्छे गेंस मिल जाएं तो लॉक कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आके चपत लगेगी और एकदम से मार्केट गिरेगी और निचले स्तरों पे सपोर्ट लेवल्स पे आएगी खरीदारी। तो इस तरीके की मार्केट दो तरफा चाल दिखाएगी, ट्रेजेक्टरी ऊपर ही रहने वाली है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट रहेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस
बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।